ब्रदर गोकुल जी सेठी साहब, सीएससी जिला प्रबंधक राजेंद्र जी पलसानिया, आप मंच पे पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है सामी ग्राम पंचायत में। भारत माता की, भारत माता की। हमारे यहाँ पंचायत में एक सीएससी एकेडमी चलती है जो ऑनलाइन कोर्सेस करवाती है। इस एकेडमी ने पिछले कुछ समय में यहाँ पे 7 दिन 15 दिन महीने अलग अलग तरह के कोर्सेस करवाए हैं, जिन ऑनलाइन कोर्सेस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की योजना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में ग्रामीण प्रतिभाओं को निःशुल्क कोर्स करवाए गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत कंप्यूटर कोर्सेज, साइबर सिक्योरिटी कोर्स, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, सीएससी ओलंपियाड और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज करवाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब। सम्मानित मंच को प्रणाम करना चाहूंगा। यहां जितने भी मेरे माइक बैठे हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करना चाहूंगा। जितने भी मेरी माता बहनें बैठी हैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा। मेरे सारे युवा भाइयों को नमस्कार कहना चाहूंगा और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूंगा। पंचायत स्तर पर इतना दिव्य भव्य और गरिमामय कार्यक्रम देख करके, और स्पेशली जब पंचायत अपनी हो तो सीना गर्व से चौड़ा होता है कि नेतृत्व सही हाथों में आया है। मैं इस शानदार और जानदार आयोजन के लिए सरपंच जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप भी एक बार जोरदार तालियों के साथ उनको धन्यवाद दें। दोस्तों, कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो भी पी लेता है वो जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। और आज के दौर की शिक्षा कंप्यूटर की शिक्षा है। आने वाले वक्त में भले ही आप कोई विषय पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन अगर आपको 2-3 लैंग्वेज आती हैं और आपकी अंगुलियां कंप्यूटर पर थिरकाना आपको आता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आप ताजुब करेंगे, जमाना इतना तेजी से बदल रहा है, स्किल्ड मैन पावर की इतनी बड़ी आवश्यकता पूरी दुनिया में है। अमेरिका में एक जगह है सिलिकॉन वैली, वहां भारतीयों का एक तरफा दबदबा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने टाइमली इंडिया के आईआईटी से निकल करके, आईआईएम से निकल करके अपने आप को वेल स्किल बना करके वहां एक छत्र राज उन्होंने कर रखा है। और अब धीरे धीरे दुनिया इतनी तेजी से बदलने वाली है, दुनिया के घरों में नौकरों का काम रोबोट्स ने ले लिया है, ये कंप्यूटर की नई क्रांति है। इसलिए अब अनस्किल्ड काम बहुत कम रह जाएगा। अगर हमें हमारी आने वाली पुश्तों को आगे बढ़ाना है तो हमें उन्हें पूरी तरह स्किल्ड बनाना होगा, और सही स्किल आज के टाइम की कंप्यूटर एजुकेशन ही है। और शिवा की जीवन गाथाएं अंकित हों, और मैं उसमें एक छोटी सी चीज और जोड़ना चाहता हूं कि जिनके हाथों में कंप्यूटर हो, अगर इस तरह के नौनिहाल हमने तैयार कर लिए तो भारत को पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का होना, एक नकारात्मक आदमी उनको संकट के रूप में देख सकता है, समस्या के रूप में देख सकता है, लेकिन एक सकारात्मक आदमी उन्हें संसाधन के रूप में देखता है। मुझे ऐसा लगता है आज पूरी दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं उनकी एकमात्र चिंता यह है कि उनकी अधिकतर पॉपुलेशन बुढ़ापे की ओर है और भारत दिन ब दिन जवान होता जा रहा है, और यही भारत की आने वाले समय में दुनिया में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी संभावना है। इसलिए युवाओं, हम सबकी जिम्मेदारी है, मैं तो अक्सर कहता हूं कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है
कि हम अच्छे से पढ़ें, अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ें, अनुशासित रहें, मेहनती बने, पुरुषार्थी बने, ईमानदार बने, खुद के प्रति भी, परिवार के प्रति भी, समाज के प्रति भी और देश के प्रति भी, ताकि जो जिम्मेदारी इस देश के हमारे कंधों के ऊपर है, हम उसका निर्वहन बहुत शिद्दत के साथ कर सकें। मैं यहां जितने भी ये मायत बैठे हैं, माता बहनें बैठी हैं, युवा दोस्त बैठे हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर किया गया खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। ये ठीक वैसा ही है जैसा आप बैंक में एफडी करवाते हैं, ये ठीक वैसा ही है जैसा आप सावधि जमा करवाते हैं, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है और इसका आउटपुट इतना शानदार आता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। मुझे तो मेरी मां ने, मेरे परिवार के पुरुषों भी आप सभी लोग जानते हैं, 5 साल का था तब पिताजी खत्म हुए थे, 12 साल का था तब बड़े भाई साहब खत्म हुए थे, यहां तक पहुंचा उसमें एकमात्र योगदान अगर किसी चीज का है तो वो एजुकेशन का है। मेरी मां समझदार थी, कभी उन्होंने दूध बेचा, कभी उन्होंने घी बेचा, कभी उन्होंने भेड़ बकरी बेची, लेकिन मुझे दुनिया इंडिया के टॉप 5 के जो इंस्टीट्यूट है पुणे यूनिवर्सिटी, वहां से एमबीए करवाया 20 लाख रुपए लगा करके। उनकी सोच की वजह से आज मैं यहां खड़ा हूं। जो कॉन्फिडेंस आया है, जो लड़ने की ताकत आई है, जो संघर्ष का सामर्थ्य आया है, जो विचारों में, सोच में शुद्धता आई है, सरोकार आए हैं, उन सब का कारण एजुकेशन है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, आप अपना पेट काट लेना, बाकी खर्चे कम कर लेना, कपड़ों पे कम कर लेना, शादी ब्याह में कर लेना, दिखावे के सारे कामों में कम कर लेना, लेकिन अपने इन बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्चे में कहीं कोई कंजूसी मत करना, क्योंकि आने वाला वक्त इसी का है। अगर ये तैयार होगी आपकी सबसे बड़ी पूंजी ये है। मैं ये मानता हूं कि अगर किसी आदमी की औलाद ढंग से तैयार हो गई तो आपका तो बुढ़ापा ठीक हो जाएगा और उनकी जवानी ठीक हो जाएगी। आप एक तरह से अपने बुढ़ापे का बीमा करवा रहे हैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे करके। और बच्चों, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, मुश्किल दुनिया में कुछ नहीं होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। मैं जब पुणे एमबीए करने गया, आपको मेरी खुद की कहानी बताता हूं, मैं इंटेलिजेंट हमेशा से रहा, थ्रू आउट मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा खजरिया साहब, लेकिन मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। जब मैं पुणे गया तो मैं 3 महीने डिप्रेशन में रहा, क्योंकि वहां बड़े बड़े परिवारों के बच्चे, थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए बच्चे। मैंने सोचा, यार अब की बार तो घर वालों को भी बर्बाद कर दिया, अपन भी खराब होंगे, यहां तो पार पड़ेगी नहीं। 3 महीने दबाव में रहने के बाद मैंने सोचा, अपने पास फीस वापस मिलनी नहीं है, लड़ाई अपन को लड़नी है। मैं 3 महीने के लिए, मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, मैं 3 महीने के लिए कमरे में बंद हो गया, और जब बाहर निकला और वापस कॉलेज में घुसा, उसके बाद में 1.5 साल कॉलेज के फैकल्टीज के नजर में हीरो में ही रहा। मैं बोलता था और पूरी फैकल्टी और पूरे मेरे साथ वाले बैठ करके चुनते थे कि यार 3 महीने पहले जो आदमी सिर्फ हिंदी में बात करता था, ये इतना फ्लुएंट कैसे हो गया इंग्लिश में। मुश्किल कुछ भी नहीं है, 4 पंक्तियां हैं कि अगर दम ठोक ठेलता है जब नर पांव पर्वत के जाते उखड़, और मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जो ठान ले वो कर सकते हैं। तो वक्ता खूब ज्यादा है, मैं ज्यादा समय आपका जाया नहीं करूंगा। मुझे बुलाया, आपने मान सम्मान दिया, मैं मेरे छोटे हो बड़े में से बड़े भाई सुरेंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मुझे मौका दिया, आप सब लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और मेरी पंचायत के बारे में सर, मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, इतना शुद्ध माहौल हमारी पंचायत का है, इतने शुद्ध और निहायत ईमानदार लोग हैं सारे लोग। जब पंचायत की बात आती है, ये हमारे पूरे सरपंच साहब अशोक जी जागीर, इनके घर से पहले सरपंच थे आप सुरेंद्र सिंह जी सरपंच हैं, जब पंचायत के विकास की बात आती है तो उस समय सारे लोग एकमुखी होकर के रहते हैं। और मैं आप सभी से भी कहना चाहता हूं, कहीं भी मेरी आवश्यकता हो, बिना किसी छोटी सोच के, बिना किसी मुगालते के, बिना किसी परवाह के, अपन सारे लोग कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके अपने इस सामी पंचायत को पूरे राजस्थान में पहचान दिलाएंगे। सरपंच साहब के साथ बैठ करके हम प्लानिंग कर रहे हैं, और कोई ना कोई काम ऐसा करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर सरपंच साहब को सम्मानित करवा करके लाएं। आप सब लोग एकजुट होकर के, एक मुखी होकर के इनके हाथ मजबूत करें, क्योंकि पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। अपन सब इनके साथ लग करके काम करेंगे।
अशोक जी का अच्छा भला अनुभव पिछले 5 साल का कार्यकाल का रहा हुआ है, उनके अनुभव का फायदा लेंगे। और अपन सब लोग, चुनाव से पहले अलग चीज होती है, चुनाव हो गए, सरपंच को एक को बनना होता है, आप बन गए, आप आगे हो, हम पीछे रहेंगे और सामी पंचायत का नाम पूरे हिंदुस्तान में करेंगे इस संकल्प के साथ। जय सामी। थैंक यू। गर्ल्स एजुकेशन के बारे में ही बोलना चाहूंगी, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जरूरत हमें गर्ल्स एजुकेशन की ही है। आज मैं इस मंच पे खड़ी हूँ तो सिर्फ मेरी एजुकेशन की वजह से खड़ी हूँ। मैं ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे मेरी मम्मा अनएजुकेटेड थी, बट उन्होंने कभी ऐसी सोच नहीं रखी कि मैं अनएजुकेटेड हूँ तो मेरी बच्ची भी नहीं पढ़ेगी। उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया तो आज इस काबिल बनी हूँ कि मैं आज एक गांव की मुखिया बनी हूँ। तो मेरी एजुकेशन इसका बहुत मायने रखती है। हम दो बेटियाँ थी मम्मी के, तो आज एक बहन जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है और मैं जो ग्राम पंचायत थी जो सीकर जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है उसकी सरपंच हूँ। तो ये मेरी मम्मा की बदौलत ही है कि उन्होंने मुझ में और भैया में कभी कंपाइन नहीं किया कि ये उस स्कूल में पढ़ेगी ये उसमें पढ़ेगी। हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं बीकानेर के, और वहीं से एजुकेशन लेके मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। तो हमें लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में गर्ल्स किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। आप चाहे कोई सा भी फील्ड देख लीजिए, गवर्नमेंट पुलिस हो चाहे एयरफोर्स हो चाहे आर्मी हो, सब जगह गर्ल्स आगे ही है। और वो सिर्फ अपनी एजुकेशन की वजह से है। आप एजुकेटेड करोगे उसे तब वो आगे बढ़ेगी। ये नहीं कि टेंथ करवा दिया ट्वेल्थ करवा दिया अब ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है गर्ल्स को आगे तब पढ़ने की, तभी वो आगे कुछ कर पाएगी। और इसके लिए हम महिलाओं को हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। हम लोगों को बोल तो देते हैं कि आप अपनी सोच बदलिए, लेकिन सबसे पहले हम खुद यही सोचती हैं कि क्या करेगी अब, ठीक है घर पे बहुत पढ़ लिया अब काम करो। काम भी जरूरी है पर एजुकेशन सबसे पहले जरूरी है। चाहे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए, ये एजुकेशन ही है जो आपको आगे लेके जाएगी। तो मैं स्पेशली लेडीज को बोल, आप अपनी गर्ल्स को पढ़ाइए, बहुत जरूरी है। धन्यवाद। से हमारे बीच पधारे डिजिटल इंडिया मिशन के मैनेजर साहब से निवेदन करूंगा, ओमवीर जी चौधरी का आप तालियों से स्वागत करें। सभी मंच पर आसीन सम्मानित अतिथि, ग्राम से पधारे हुए सभी मेरे माता पिता समान ये भी अतिथि हैं मेरे लिए, सभी प्यारे बच्चों और आपके जो नेतृत्व कर रहे हैं सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपकी ये एक सोच थी, आशावादी सोच, इसी का नतीजा था कि हमें ये आने से रोक नहीं पाई। और जब हमने केवल ये देखा कि गांव के कुछ चुनिंदा अभी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्हीं के सानिध्य में ये बच्चों के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम रखा जा रहा है, बिना कुछ सोचे समझे हमारे इस पंचायत समिति के आपके यहाँ पे जो सेवा दे रहे हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। आज मैं राजस्थान को यहाँ पे मैं आपको बखान करना चाहूँगा राजस्थान की भूमि का, क्योंकि मैं राजस्थान की इस धरा पे जन्म लेके इस अरावली भूमि से मैं बिलोंग करता हूँ, अलवर जो सब लोग आप जानते हैं, और मेरा विशेष लगाव रहता है राजस्थान के लोगों से जो काम पॉजिटिवली अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने बिजी शेड्यूल में से भी समय निकालकर उनके बीच जाकर उनसे कुछ सीखने की और कुछ सिखाने की कोशिश हमेशा मेरी रहती है। ये आप लोगों के लिए जिस संस्थान से मैं जुड़ा हुआ हूँ इनका परिचय मैं थोड़ा सा दे दूं कि ये जो कॉमन सर्विस सेंटर जिसकी टोपी यहाँ पे जो ये बच्चे पहने हुए हैं ये एक योजना है जिसके तहत गांव का बच्चा या गांव का कोई भी नागरिक जिसको उससे कोई भी संबंधित सुविधाएं या सेवाएं लेनी है उसको बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए पंचायत समिति में ही एक सेंटर होगा जो कि
लोगों को सेवाएं प्रदान करेगा और जो ये सेवा प्रदान कर रहे हैं उनको हम ना केवल ऑपरेटर, वो हमारे लिए उद्यमी है। जब हम कोई काम करते हैं तो हर किसी चीज में एक योग होता है, संयोग, यानी जिसको बोलते हैं कि अगर आपने अवसर चुना, पढ़ाई कुछ भी करी हो लेकिन आपने अवसर को चुना और उस अवसर का फायदा उठाया तो आप अपना उद्यम कहीं पे भी शुरुआत कर सकते हैं। तो हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये प्लेटफॉर्म गांव के नागरिकों के लिए खोला कि आप गांव में रहते हुए ही उद्यम शुरू कर सकते हैं। बाबा रहा था तो उसमें बोला कि सब उद्यमियों को कौन सा योग करना चाहिए, तो बाबा रामदेव ने बहुत ही सटीक जवाब दिया कि साहब जो सवाल पूछ रहे ना उसी में ही उसका जवाब छिपा है। तो उद्योग वो खुद ही योग है जिसमें आपने अपनी सोच को उद्यम, यानी उसमें इनोवेशन लाना स्टार्ट कर दिया, उसको ऊंचा उठाना शुरू कर दिया, वहीं से उद्योग की शुरुआत हो जाती है। अभी तक आपने उद्योग सुने होंगे जहां पे चमड़ा बनता है, प्लास्टिक के टायर बनते हैं या कुछ भी जो प्रोडक्ट बनते हैं वो उद्योग होते थे, लेकिन अब डिफरेंट डिफरेंट जो सर्विस देने वाले हैं, सर्विस का प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, वो जो है उन उद्यमियों का भी काफी बोलचाल है और उन्हीं लोगों को हम ये मंच प्रदान करते हैं जिसको हम पूरे पैन इंडिया में लेके जाना चाहेंगे। अगर सरपंच साहब का इसी तरीके का विचार और व्यक्तित्व हमारे साथ बना रहेगा, सामी को हम बोलेंगे स्मार्ट एंड माई ओन इंस्टीट्यूट, यानी वह स्मार्ट इंस्टीट्यूट और जो मेरी खुद की इंस्टीट्यूट है जिसमें मैं कभी भी मेरी खुद की जो चीज होती है मैं उसको अपने तरीके से बरतता हूँ, अपने तरीके से जब मेरा मन करता है जब आके पढ़ता हूँ, जब मेरा मन करता है मैं उसका रख रखाव भी उसी तरीके से करता हूँ और मेरा योगदान भी सेम उसी चीज का होता है। तो ये जो मॉडल है स्मार्ट एंड माई ओन इंस्टीट्यूट सामी मॉडल, जिसका नामांकन मैंने अभी अभी जो इनकी सोच से उत्पादित और ये मैंने नाम सभी ग्रामवासी और युवा साथियों से, ये आज जो हमने ये सोच का बीज बोया है इसका हम बड़ा वृक्ष देखना चाहते हैं और ये वृक्ष ऐसा वृक्ष जो पूरी दुनिया में दिखाई दे, ना केवल सामी के लोग जाने कि हाँ कोई शब्द आया था और आके चला गया सब भूल गए, नहीं, हमें पूरी दुनिया को दिखाना है कि राजस्थान में भी एक ऐसी पंचायत है जिसके नाम से एक नया मॉडल स्थापित हुआ है। और हम मॉडल किस चीज को बोलते हैं, जब भी कोई नई चीज होती है उसको एक नया नामकरण, जब नया बच्चा पैदा होता है तो उसका नया नाम रखा जाता है, हम भी एक नई चीज पैदा कर रहे हैं तो उसका नाम हमने रखा है सामी। और सामी मॉडल के अंदर अपनी खुद की इंस्टीट्यूट होगी और हमने एक थोड़ा सा शिक्षा में नया और नवाचार करने के लिए, क्योंकि अभी कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और इस समस्या के इस अवसर पर इस समस्या को समस्या ना समझ के अवसर के रूप में ले रहे हैं। जो ये सामी मॉडल होगा इसको हम चाहेंगे कि CSE अकेडमी के थ्रू इसके अंदर जो नव निर्वाचित सरपंच होते हैं उनको किस तरीके से बच्चों के अलावा, बच्चों के लिए तो हमेशा ये प्लेटफॉर्म अपना खुद का इंस्टीट्यूट है ही, लेकिन इसमें थोड़ी सी शिक्षा से हटके एक काम जो हम सोच रहे हैं जो नेशनल लेवल पे किया जा सकता है, नए निर्वाचित सरपंच को किस तरीके से अपनी पंचायत में काम करने की जरूरत है, क्या क्या काम किए जा सकते हैं, किस तरीके से काम करने चाहिए और युवाओं की जो इच्छा है वो क्या है, बुजुर्गों की इच्छा क्या है, अपनी उन इच्छाओं का और उन चीजों का ध्यान में रखें किस तरीके से काम करना है, इसका एक करिकुलम बने और उनकी ट्रेनिंग देने के लिए सामी इंस्टीट्यूट में आके उन सरपंचों को वो पढ़ाया जाए चीज। अगर सुरेंद्र जी जैसे सरपंच हर पंचायत में होते तो आज सारी पंचायतें अपने विकास में सबसे आगे होती और उनको जरूरत नहीं पड़ती इस तरीके की चीज करने के लिए, लेकिन अभी भी इस चीज की जरूरत है। इलेक्टेड सरपंच बनने के बाद भी उस शिक्षा की जरूरत आज जो युवा सोचता है वो उसकी संभावना को पूरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए आज इस सोच की जरूरत पड़ी है कि उन सरपंच और उन इलेक्टेड मेंबर्स पंचायत, हमने इसका नाम एक बार महाराष्ट्र में चलाने की कोशिश करी थी और हमने एक SNDT इंडस्ट्री होती है महाराष्ट्र में उसके आसपास के एरिया में ये प्राइम नाम रखा था उसका, ये पंचायत रिप्रेजेंटेटिव जो इंस्टीट्यूट हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाए, और वहाँ से हमें जो रिजल्ट मिला वो देखने को ये मिला कि जो महिलाएं थी उनमें सीखने की क्षमता और उसको फिर अपने अंदर धारण करने की क्षमता जो थी और इम्प्लीमेंट करने की
उन्होंने ज्यादा चीजों को सीखा और उसी मॉडल को हम इस राष्ट्रीय स्तर पर लेके अब सामी मॉडल का नाम देना चाहते हैं। दूसरा काम सीएससी एकेडमी जो आपके इस पंचायत भवन में स्थापित है, काफी बड़ा इंफ्रा है, बहुत ही कम पंचायत में देखने को मिलता है। इसके अंदर कंप्यूटर लैब जो बनेगी, जो कि पूरे इंडिया में डिजिटल विलेज, अभी प्रधानमंत्री साहब जब अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने 15 अगस्त के भाषण में ये उल्लेख किया था कि कुछ ही समय पश्चात आने वाले 1000 दिन का उन्होंने टारगेट लिया है कि हर गांव के अंदर फाइबर की कनेक्टिविटी पहुंचेगी और उस फाइबर का इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने का काम भी सीएससी कर रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अगर कहीं पे भी आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी देनी है तो आप सीएससी से संपर्क कर सकते हैं और उसमें हमारी टीम सुभाष जी यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं, तो उसकी जो टीम है यहाँ पे जो काम कर रही है वो टीम आपके घर तक इंटरनेट पहुंचाने का काम करेगी, फाइबर टू होम FTH का कनेक्शन। इंटरनेट क्यों जरूरी है? अगर आज आप घर में कैद हैं तो एक इंटरनेट ही है जो आपको लोकल होते हुए ग्लोबल दुनिया से जोड़ती है। हमने एक नया चीज दी कि जब आप लोकली हैं आप किस तरीके से ग्लोबली कनेक्ट हो सकते हैं, तो उसमें जो अहम भूमिका है वो इंटरनेट की है और ये जो सेवा है वो सीएससी के थ्रू ली जा सकती है, आप अपने घर में इंटरनेट का कनेक्शन करा सकते हैं। दूसरी चीज, जब यहाँ पे सीएससी एकेडमी स्थापित होगी, आपने ये देखा कि ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट और राजस्थान में मैंने पहली बार देखा है कि ये जो नए नए तरीके के कोर्स थे, साइबर सिक्योरिटी, टैली, बेसिक कंप्यूटर, ओलंपियाड, ये सोच, इन कोर्स को गांव में चलाने की सोच हमारे सीईओ डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी जी जो ये पूरा मॉडल रन करते हैं और उन्हीं की सोच का ये वो है कि आज गांव-गांव में ये जो हमारे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर हैं ये चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये जो सामी और आपके बच्चे जो जिस तरीके का कोर्स कर रहे हैं उन कोर्सेज की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। साइबर सिक्योरिटी, अभी सरपंच साहब ने बोला, अभी एक प्रतिनिधि बोल रहे थे कि भारत को अगर आपने डिजिटल शिक्षा को अपना लिया, डिजिटल इंडिया के को आत्मसात कर लिया तो हमें सोने की चिड़िया होने से कोई नहीं रोक सकता, और जब सोने की चिड़िया होती है तो उसको चुराने के लिए चोर भी घुसते हैं और जब चोर घुसते हैं तो उसको रोकने के लिए चार दीवारी या फिर उसकी फेंसिंग भी करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी गार्ड को बैठाया जा रहा है कि उसका ध्यान रखें कि कौन आपका पैसा, डिजिटल जो करेंसी है, आपके पैसे की जो पूंजी जमा है बैंकों में, या फिर आपका डेटा है, आपकी कोई इंफॉर्मेशन है, वो कोई चुरा ना ले, इसी का ध्यान रखने के लिए इन सिक्योरिटी गार्ड को बैठाया जा रहा है। तो आप अपने बच्चे को एक तरीके से उस साइबर अटैक से बचने के लिए तैयार कर रहे हैं जो कि एक सकारात्मक सोच का नजरिया है। आप इनको अटैकर भी बना सकते थे, यानी जो सूचना चुराते हैं, लेकिन नहीं, उस चीज से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे, ये वही बच्चे हैं जो आपको पैसे की चोरी होने से बचाएंगे। आपका ट्रांजैक्शन गलत हो गया उसको वापस कैसे किया जाए, किसी ने गलत किया है उसको किस तरीके से रोका जाए, यही वो पीढ़ी है, यही वो बच्चे हैं जो आपका साथ देंगे। हम ये व्यर्थ जाता है और हमारा काम हो ना हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। तो आप भी अपने को जो इन लाइन में खड़े हैं वो भी अपने आप को ऑनलाइन इंडिया के साथ में खड़े हों, जिससे कि हमारी रफ्तार है विकास की वो बढ़ सके और हम जिस चीज पे पहुंचना चाहते हैं, जो हम एक शक्ति की बात करते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, जब तक ये निर्भर आत्मनिर्भरता की बात तब तक नहीं हो सकती जब सभी का योगदान नहीं हो सकता। किसी का योगदान किसी चीज को बनाने में है तो किसी चीज को यूज करने में उसका योगदान है, और ये चीज एक चीज यहाँ पे बनती है, दूसरे लोग दूसरी जगह पे उस चीज को यूज करते हैं। आत्मनिर्भर हमारे भारत के लोग उसको विकसित करें और उसी को हमारे लोग यूज करें, ये आत्मनिर्भरता की बात हम वो कर रहे हैं। और आज सामी पंचायत ने और सभी ग्रामवासियों ने यहाँ पे इकट्ठा होके वो शक्ति दिखाई है कि हाँ, हमारी पंचायत और इस तरीके की शक्ति रखती है कि हम खुद आत्मनिर्भर हैं, हम अपनी चीज़ों का यूज करते हैं, हम अपनी शिक्षा पद्धति को साथ रखते हैं, अपनी शिक्षा पद्धति के साथ में चलते हैं, ये आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। जितने भी अभी ये जो एग्जाम हुए हैं उनमें एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था, शायद बड़े लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन इन बच्चों ने एग्जाम दिया है और पढ़ाई करी है, उसमें एक बहुत ही यूनिक चीज थी
घर बैठे बैठे सेंटर में बैठो या घर, ये आपका घर ही है, इसमें बैठ के बच्चों ने एग्जाम दिया। जिस एग्जाम को देने के लिए आपको पहले जयपुर दिल्ली का सफर तय करना पड़ता था, उस एग्जाम को यहाँ पे बैठ के दिया। उसके पीछे भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का ही हाथ है और इसको पूरे पूरे मॉडल को भारत में लागू करने के लिए हमें काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन कोविड ने हमारा साथ दिया और इस मॉडल को हम उतार पाए। अभी मैं देख रहा था सभी बच्चों के सर्टिफिकेट पे मार्च अप्रैल मई जून की एग्जाम डेट है, यानी उन्होंने कोविड में रहते हुए अपने समय का किस तरीके से सही यूटिलाइजेशन किया है वो सीखे तो इन बच्चों से सीखे। इन बच्चों को मैं ये कहूंगा कि ये तो छोटा कोर्स है जिससे कि आपको एक छोटा रास्ता दिखाया गया है, अभी इसमें दुनिया बहुत बड़ी है। आप इन चीजों को अपने आत्मसात कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब जो डिजिटल विलेज है आपके गांव का जो कॉन्सेप्ट, डिजिटल विलेज यानी एक विलेज जो नॉर्मल सारी चीजों को अभी तक करता था लेकिन अब सारी चीजें डिजिटल टेक्नोलॉजी पे आधारित हों, उस गांव को डिजिटल विलेज में कन्वर्ट किया जाएगा। इस गांव को डिजिटल विलेज का थीम दिया जा रहा है, इस तरीके के 100,000 गाँव को शुरुआत कर चुके हैं और उसी श्रृंखला में मेरे साथ में मेरे डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव भी, डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर्स भी बैठे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि अगर ये गांव डिजिटल विलेज में पहले से ही है तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो इसको डिजिटल विलेज में लिस्टेड कराएं और डिजिटल विलेज के थ्रू जो भी सुविधाएं मिल रही हैं उन सारी सुविधाओं का लाभ यहाँ पे नागरिकों को मिले। सरपंच साहब ने बोला था कि अभी इसी यहाँ पे बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट आप सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट अपन पैसे को बोल सकते हैं कि अपन ने पैसा नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे जो समय लग रहा है आपका वो फ्री नहीं है, वो समय दोबारा से लौट के नहीं आएगा। वो समय आप यहाँ पे लगा रहे हैं सबसे कीमती है, उसकी वैल्यू नहीं चुका सकते और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका समय व्यर्थ जाए। अगर आपके बच्चे को 20 घंटे का कंप्यूटर कोर्स भी करवाया है तो हमारा कतई भी ये इरादा नहीं था कि आपके बच्चे के वो 20 घंटे कंप्यूटर सीखने के जो हमने रखे थे उसमें उसकी बर्बादी की जाए। उसमें ये जो सर्टिफिकेट नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, सर्टिफाइंग एजेंसी हैं, उनके थ्रू रिलीज किया जाता है और जिस तरीके से सरपंच साहब ने बताया कि ये सर्टिफिकेट दिल्ली में जाके लोग एग्जाम देते थे तब मिलते थे और आपके बच्चों को यहाँ पे घर बैठे बैठे और ये सुविधा मिली है, तो ये नई सोच लेकिन नॉर्मल सोच का नतीजा है। मैं तो सरपंच साहब की इस सोच को सलाम करता हूँ। एक विशेष चीज मैंने यहाँ पे देखी जिसको भी मैं यहाँ पे उल्लेखित करना चाहूंगा कि अलग अलग पार्टी अलग अलग सोच के लोगों को एक साथ किस तरीके से रखा जाए और लेके आगे बढ़ा जाए। कतई भी विचारों में मतभेद यहाँ पे नहीं देखने को मिला, अलग अलग तरह के लोग आते हैं लेकिन उन सबको आत्मसात करने की जो जी विशा जीने की शक्ति जो है, उनको साथ रखने की शक्ति है, वो इन सरपंच साहब में मुझे देखने को मिली। नेता बहुत होते हैं, पढ़ाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन कला किसी किसी में होती है और उस कला का हमें सम्मान करना चाहिए। मैं यही आग्रह करूंगा कि सरपंच साहब आप पॉलिटिक्स अपने साइड में जो भी करते रहें लेकिन इन भविष्य इन जो ये जो हमारा हमारे कर्णधार हैं, जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए जो भी प्रयास किए जा सकें, किसी भी पार्टी से हों, किसी भी तबके से हों, किसी भी समुदाय से हों, उन सबको साथ में लेके और उन सबको समान अवसर देने की कोशिश करें, जिससे कि कोई बच्चा ये ना कहे कि मैंने शामी में जन्म लिया और मैं गरीब परिवार का होने के नाते मुझे उसमें जगह नहीं मिली, केवल मैं अगर मैं बड़े समुदाय से होता तो केवल मैं राजपूत होता तो ही मुझे वो जगह मिलती। ऐसा मेरे हिसाब से इस सोच में मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आता और वही होना चाहिए। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसर मिले, ऐसा स्थान इस धरा पे बहुत ही कम देखने को मिलता है और शामी इस तरीके की जगह हमें महसूस हुई। और ये प्रचार, जब कहते हैं ना कि आदमी जब आता है तो कोई नई चीज सीख के आता है, यहाँ पे हमने 300 किलोमीटर का सफर तय करके आपके पास यहाँ पे पहुंचे हैं, तो कोई ना कोई तो यहाँ पे नई चीज थी आपके अंदर और उस नई चीज का ही नतीजा है कि जिस तरीके से हम यहाँ पे आए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि जब भी इस तरीके का प्रोग्राम बच्चों के प्रोत्साहन का किया जाए तो उनके माता पिता भी जरूर आए साथ में और वो देखें कि किस तरीके से दूसरे का बच्चा सीख रहा है तो अपने भी बच्चे को क्यों पीछे रखें उस चीज को। और ये एक सर्टिफिकेट देने से, एक सर्टिफिकेट देने से केवल इनकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती, ये कि इनका मनोबल बढ़ाने का एक छोटा सा प्रोग्राम इन्होंने रखा
इससे इनका मनोबल बढ़ेगा आगे बढ़ने की ये कोशिश करेंगे और दूसरे बच्चों को भी बताएंगे। तो ये एक श्रृंखला है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जाए, मैं तो इसी की कामना करता हूँ। सीएससी अकेडमी यहाँ पे स्थापित होगी, पूरी कंप्यूटर जो हम सपोर्ट कर सकते हैं पूरी कंप्यूटर लैब को स्थापित करने में मदद करेंगे, ये सारी सुविधाएं सरपंच साहब के सानिध्य में और हमारे बीएलई जो है साथ में कंधे से कंधा मिला के चलते रहेंगे और आप तक ये सारी सेवाएं पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ। आई विल हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर सीएससी एकेडमी एंड ग्राम पंचायत सामी फॉर दिस फ्री इंग्लिश कोर्सेस। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।